फ्रेंड्स, हम अभी एनिमल टिश्यूज़ के बारे में बात कर रहे हैं। पहले हमने एपिथेलियल टिश्यू के बारे में बात किया, नाउ अब हम कनेक्टिव टिश्यू के बारे में बात कर रहे हैं। तो कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं वो फाइव टाइप्स के होते हैं। नंबर वन इज एरियोलर टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, वाइट फाइब्रस, येलो इलास्टिक एंड रेटिकुलर टिश्यू। तो सबसे पहले आइए हम देखते हैं एरियोलर टिश्यू। तो एरियोलर टिश्यू आर मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यूज। इट कंटेन्स मैट्रिक्स, वाइट एंड येलो फाइबर्स एंड इरेगुलर सेल्स। तो एरियोलर टिश्यूज जो होते हैं उनमें मैट्रिक्स पाया जाता है, जैसे साइटोप्लाज्म होता है उसी टाइप का होता है मैट्रिक्स, और इसी में सारी चीज़ें रहती हैं जैसे वाइट एंड येलो फाइबर्स और दूसरे सेल्स। फाइन थ्रेड्स रन थ्रू मैट्रिक्स क्रॉसिंग ईच अदर इन एवरी डायरेक्शन लीविंग स्मॉल स्पेसेस। तो बहुत ही फाइन थ्रेड्स जो हैं वो क्रॉस करते रहते हैं, स्मॉल पोर स्पेसेस बनाते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, एरियोले। तो एरियोले जो होते हैं दे फिल स्पेसेस इनसाइड ऑर्गन्स। जो भी ऑर्गन्स में होते हैं उनके बीच में भी जगह भी जो भी रहती है उनको फिल करते हैं, एंड दे आर फाउंड बिटवीन द स्किन एंड द मसल्स। नेक्स्ट आता है आपका एडिपोज टिश्यू। तो एडिपोज टिश्यू जो होते हैं वो ओवल राउंड सेल्स होते हैं फिल्ड विद फैट ग्लोब्यूल्स। इसमें फैट जो होते हैं ग्लोब्यूल्स होते हैं, दे आर स्कैटर्ड इन मैट्रिक्स, दे फाउंड बिलो द स्किन बिटवीन द इंटरनल ऑर्गन्स। इंटरनल ऑर्गन्स के बीच में ये पाए जाते हैं, एंड ये जो है येलो बोन मैरो में भी पाए जाते हैं। दे स्टोर्स फैट, एक्ट एज इंसुलेटर। और जो भी हम मोटे होते हैं वो एडिपोज टिश्यू के कारण ही होते हैं, वो ज़्यादा हो जाते हैं तो बॉडी को फैट बना देते हैं। एंड दे प्रोटेक्ट फ्रॉम कोल्ड इन हाई अल्टीट्यूड एनिमल्स। जो ठंडे देशों में ठंडी जगहों पे जो एनिमल्स होते हैं वो एडिपोज टिश्यू ही इंसुलेटर का काम करते हैं और उन्हें ठंड से बचाते हैं। थर्ड इज वाइट फाइबर्स। तो दे आर अरेंज्ड इन पैरेलल बंडल्स एंड दे फॉर्म कॉर्ड्स कॉल्ड टेंडन्स। इस तरह पैरेलली ये बंडल्स बनते हैं और टेंडन्स बनाते हैं। तो टेंडन हमेशा क्वेश्चन में आया हुआ है। तो टेंडन क्या होता है, दे आर वाइट फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू एंड दे कनेक्ट्स मसल टू बोन। मसल से जो बोन को जोड़ता है दैट इज टेंडन। ये नीट में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दे हैज़ ग्रेट स्ट्रेंथ बट लिटिल फ्लेक्सीबिलिटी। वो फ्लेक्सीबल कम होते हैं लेकिन मजबूत बहुत होते हैं, एंड ये बहुत कम पाए जाते हैं मैट्रिक्स में। नेक्स्ट है आपका येलो इलास्टिक। येलो इलास्टिक थिकर होते हैं, वेरी लिटिल इन मैट्रिक्स। दे हैव कंसिडरेबल स्ट्रेंथ, रिमार्केबल इलास्टिसिटी। याद रखिए वाइट फाइबर्स में इलास्टिसिटी कम है लेकिन येलो इलास्टिक में ज़्यादा है। और लिगामेंट्स जो होते हैं, लिगामेंट्स क्या हैं, दे जॉइन बोन्स टुगेदर, दो हड्डियों को आपस में जोड़ते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये येलो इलास्टिक, इसमें इलास्टिसिटी होती है और स्ट्रेंथ भी होता है। नाउ नेक्स्ट है रेटिकुलर टिश्यू। तो रेटिकुलर टिश्यू जो होते हैं वो स्टार शेप्ड सेल्स होते हैं और दे हैव प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस होते हैं। दे आर फाउंड इन स्प्लीन, लिवर एंड बोन मैरो। तो इतनी चीज़ें हमने देखी। अब इसी में आती हैं स्केलेटल टिश्यू, ये भी कनेक्टिव टिश्यू ही होती हैं। तो ये दो टाइप्स के होते हैं, कार्टिलेज एंड बोन्स। कार्टिलेज जो होते हैं दे आर कनेक्टिव टिश्यू इन विच इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन्स स्लाइटली हार्डन बाय कैल्शियम सॉल्ट्स। तो इनमें प्रोटीन्स और कैल्शियम सॉल्ट्स होते हैं, और जो कार्टिलेज सेल्स हैं उनको कॉन्ड्रोब्लास्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉन्ड्रोब्लास्ट। दे ऑकर्स इन जॉइंट्स ऑफ बोन्स, नोज, ईयर, ट्रैकिया, लैरिंग्स, एंड दे हेल्प स्मूथ सरफेस टू जॉइन, लेंड सपोर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी। तो कार्टिलेज जो होते हैं सपोर्ट और फ्लेक्सिबिलिटी करते हैं और स्मूथ सरफेस देते हैं, और इनके जो सेल्स हैं उनको कॉन्ड्रोब्लास्ट कहते हैं। नोज, ईयर, ट्रैकिया, लैरिंग्स में पाए जाते हैं और इनमें प्रोटीन और कैल्शियम सॉल्ट्स होते हैं। बोन्स जो होते हैं हार्डर होते हैं, इनके बोन सेल्स को बोलते हैं ऑस्टियोब्लास्ट। क्या बोलते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट। दे हैव फाइन कैनाल्स जिसको कैनालिकुली बोलते हैं, इमर्जिंग फ्रॉम सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन से फाइन कैनाल्स निकलते हैं।
They are embedded in matrix, strengthened by fibers, hardened by calcium and phosphorus salt. हम अक्सर सुनते हैं कैल्शियम फास्फोरस की कमी से हड्डियां कमजोर हो गई, तो यही बात है कि इन इनमें कैल्शियम और फास्फोरस सॉल्ट से ये हार्ड होते हैं. दे आर डिपॉजिटेड इन द फॉर्म ऑफ कोसेंट्रिक लेयर्स, गोल 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 कोसेंट्रिक लेयर्स में रहते हैं अराउंड अ सेंट्रल कैनाल. बीच में सेंट्रल कैनाल होती है जिसको क्या बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, हेवर्सियन कैनाल. तो इसको याद रखिएगा, हेवर्सियन कैनाल्स के चारों तरफ कोसेंट्रिक लेयर्स में कैल्शियम और फास्फोरस सॉल्ट डिपॉजिट हो करके और बोन्स बनाते हैं, जो बोन सेल्स को ऑस्टियोब्लास्ट कहते हैं. अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जिसमें हम लोग बाकी के कनेक्टिव टिश्यू देखेंगे.